खतरनाक है और ये होता कैसे है, मतलब हमारे शरीर में HIV का वायरस आता कहाँ से। इस सवाल के बाद तो आपके दिमाग में केवल एक ही कारण आएगा कि सेक्स, कि सेक्स से ही HIV/AIDS होता है। तो दोस्तों आप गलत हैं, केवल यही एक कारण नहीं है HIV होने का, ऐसे कई कारण हैं जिसके वजह से लोगों को HIV/AIDS की बीमारी हो जाती है। और ये बीमारी इतनी खतरनाक क्यों है इसके बारे में भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो HIV से अपनी सुरक्षा करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइफस्टाइल इंफोट्यूब में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको HIV का फुल फॉर्म बता देता हूँ। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। दोस्तों HIV दुनिया के सबसे बड़े बीमारियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसका अभी तक तो कोई इलाज ही नहीं बना है, यानी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है तब, बस इससे बचाव किया जा सकता है। पर अगर ये बीमारी एक बार लग गई तो समझ लीजिए सब कुछ खत्म। हालांकि दवाइयों की मदद से आप अपने जीवन का कुछ साल बढ़ा सकते हैं, पर इस बीमारी को खत्म नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब है रोग क्षम अपर्याप्तता। दोस्तों ये बीमारी मतलब ये है कि रोगों से लड़ने की क्षमता कम होना। दोस्तों ये बीमारी हमारे इम्यून सिस्टम सेल्स पर अटैक करता है, यानी रोगों से लड़ने वाले सेल्स पर अटैक करता है। हमारे शरीर में CD4 हेल्पर लिम्फोसाइट नामक सेल्स होता है, जो किसी भी प्रकार की बीमारी या इन्फेक्शन से बचाता है। ये सेल्स बुरे बैक्टीरिया से लड़ता है और उसे खत्म कर देता है, जिससे हम किसी भी बीमारी से लड़ पाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों कोई भी बड़े से बड़ा बीमारी ठीक है, क्योंकि वो शरीर के अलग अलग हिस्सों पे अटैक करते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम सेल उससे लड़कर उस बीमारी को ठीक कर देता है। यानी हमारा इम्यून सिस्टम सेल कंप्यूटर के एक एंटीवायरस जैसा है, जो अंदर आए सारे वायरसेस को खत्म कर देता है। पर जरा सोचिए कि क्या होगा अगर वो एंटीवायरस ही खराब हो जाए तो। अगर हमारे कंप्यूटर का एंटीवायरस खराब हो जाए तो कंप्यूटर में आए किसी भी वायरस से कौन बचाएगा। इसी तरह से HIV का वायरस हमारे इम्यून सिस्टम सेल्स पर अटैक करता है, जो हमारे शरीर का एंटीवायरस है। अगर एक बार HIV का वायरस आपके शरीर में घुस गया तो ये आपके इम्यून सिस्टम सेल्स को नष्ट कर देता है और धीरे धीरे ये सारे इम्यून सिस्टम सेल्स को खत्म कर देगा, जिससे आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। और ऐसे में अगर आपको एक मामूली सी जुकाम या हल्की सी खरोच भी आ जाए तो वो भी कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसे ठीक करने वाले सेल्स तो खत्म हो जाएंगे ना। तो ऐसे में अगर कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए या कोई गंभीर चोट लग जाए तो वो कभी ठीक नहीं होगा, बल्कि और बदतर होता जाएगा, जिससे आपकी मौत जल्दी हो जाएगी। ह्यूमन सिस्टम सेल्स हमारा अंदर से सुरक्षा करता है, पूरे बैक्टीरिया से लड़ता है, और अगर ये सुरक्षा प्रणाली ही नष्ट हो जाए तो बाकी चीजों से हमारी रक्षा कौन करेगा। तो HIV हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, पर ये हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को खत्म करके हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और HIV को पहचानने का कोई लक्षण भी नहीं है, इससे हमारे शरीर में कोई बदलाव नहीं आता। बस इतना याद रखिए कि जब कोई चोट, छाला, खुजली या कोई भी बीमारी दवा लेने के बाद भी जल्दी ठीक ना हो तो समझ जाइए कि आपको HIV/AIDS हुआ है। अब इससे कैसे बचा जाए ये बताता हूँ। सबसे पहले तो HIV/AIDS का शिकार हुए किसी भी व्यक्ति के संपर्क में मत रहिए। ये बीमारी छूने से, हवा से या खाने पीने जैसे बाहरी कारणों से नहीं फैलती, बल्कि अंदरूनी कारणों से फैलती है, जैसे सेक्स, ब्लड शेयरिंग या बैक्टीरिया आदि। अब मैं कुछ सेफ्टी टिप्स बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो किसी भी HIV का शिकार हुए व्यक्ति के साथ सेक्स मत कीजिए, इससे ये बीमारी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से फैलता है। और अगर आप एक औरत हैं और आपको HIV हुआ है तो अपना दूध बच्चों को ना पिलाएं, इससे भी HIV फैलता है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में खून चढ़वाते हैं तो HIV की जांच किए बिना ना चढ़ाएं। वैसे तो किसी भी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता है, वहाँ के खून साफ सुथरे और स्वस्थ होते हैं, चेक करके लिए जाते हैं, पर फिर भी इससे आपको HIV हो सकता है, तो एक बार जांच लीजिएगा। और यह बीमारी इंजेक्शन के माध्यम से भी फैलता है, तो आप जब भी इंजेक्शन ले नया इंजेक्शन ही ले, यूज किया हुआ इंजेक्शन ना ले, तो एक बार इसके बारे में भी आप चेक कर लीजिएगा। ब्लेड से भी ये बीमारी फैलता है, तो अगर कोई HIV वाले व्यक्ति ने शेविंग की और थोड़ा सा कट गया और उसका खून ब्लेड पे लग गया, और आपने भी उसी ब्लेड से शेविंग कर लिया और आपको भी थोड़ा सा कट गया, तो इससे ब्लड शेयरिंग होगा और आपको भी HIV हो जाएगा। इसलिए हमेशा नया ब्लेड का ही इस्तेमाल करें, और बाहर खाते पीते ध्यान रखें
कि सामने वाले व्यक्ति के हाथ में कोई चोट, खरोंच या घाव तो नहीं है। अगर उसका खून खाने में मिल गया और आपने वो खा लिया तो इससे भी HIV हो सकता है। बस इतना याद रखिए कि HIV वाले व्यक्ति के किसी भी चीज का यूज ना करें, जैसे कि तौलिया, कपड़ा, जूता, मोबाइल या ऐसा कोई भी चीज जिसे वो छूता है। क्या पता उसके किसी भी चीज पे लगा हो जिसे आपने अपने हाथों में ले लिया और दुर्भाग्य से उस समय आपके हाथ में भी चोट लगा हो, तो ऐसे में आपके चोट के माध्यम से HIV का वायरस आपके अंदर घुस सकता है और आपको भी HIV हो सकता है। तो इसका इलाज क्या है दोस्तों? फिलहाल तो इसका कोई इलाज नहीं है, बस दवाइयों की मदद से आप अपने जीवन के कुछ साल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि HIV के वायरस को खत्म करने की दवा आज तक बनी ही नहीं है। हम बस दवाइयों के मदद से अपने इम्यून सिस्टम सेल्स को बढ़ा सकते हैं, पर बाद में HIV उसे भी खत्म कर देगा और धीरे धीरे HIV इतना बढ़ जाएगा कि बाद में दवाइयों के मदद से भी हम अपने इम्यून सिस्टम सेल्स को बढ़ा नहीं पाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे जुकाम, बुखार, चोट जैसे छोटी मोटी बीमारियां भी कभी ठीक नहीं होगी और आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां घुसते रहेगी। क्योंकि आजकल बीमारियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उनसे बचना एकदम नामुमकिन है। खाने से, पीने से, चलने से, सोने से, यहाँ तक कि हवा में सांस लेने से भी कई प्रकार की बीमारियां फैलती है। हालांकि ये तो होते हैं छोटे मोटे रोग, पर अगर ये जल्दी ठीक ना हो तो ये आगे चल के बहुत गंभीर रूप ले लेते हैं। और ऐसे में अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति खत्म हो जाए तो एकाएक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर को पकड़ती रहेगी और दीमक की तरह हमारे शरीर को खत्म कर देगी। तो दोस्तों मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि ये बीमारी किसी को भी ना हो और आप हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। तो अच्छा खाइए, अच्छी नींद लीजिए, रोज व्यायाम कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी और ये